हाउ डू यू डिसाइड, मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि हाँ मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करनी है? तो यू नो दैट विल रियली हेल्प. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल. टुडे वी हैव अनदर स्पेशल गेस्ट एंड अ फेलो बिट्सियन, आदित्य पंत. ब्रिलियंट पर्सन, मतलब मैंने अपनी लाइफ में अगर कुछ ब्रिलियंट लोग देखे हैं उसमें से आदित्य पंत इज वन ऑफ देम. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पंत भाई, वेलकम. कैसे हो? उपल भाई, थैंक यू फॉर द जेनरस वर्ड्स. इतना भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, बट नहीं भाई, आई एम डूइंग वेल. नहीं भाई, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सुनी है पंत भाई के बारे में. जो काम कंपनी में सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं कोई नहीं करता, वो पंत भाई करता है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग पीपल, पंत भाई इज द यंगेस्ट प्रिंसिपल इंजीनियर जो कि मैंने देखा है. मतलब मैंने इस एज पे किसी को प्रिंसिपल इंजीनियर बनते नहीं देखा. एंड कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप पास आउट हो रहे हो या जब आपकी प्लेसमेंट है तो दिस इज द पर्सन जो आपके इंटरव्यू ले रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप मेरा नाम यूज कर देना, पंत भाई सिलेक्ट कर लेगा. वेरी जेनरस काइंड ऑफ पर्सन. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. हाँ एब्सोल्युटली बोल दिया, देख लो अब पूरा बैच सिलेक्ट होगा. सो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इन विच कंपनी यू आर वर्किंग? सो आई एम वर्किंग फॉर इन्फोमैटिका इन बैंगलोर. सो इन्फोमैटिका इज अ कंपनी फ्रॉम इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन रेडवुड सिटी, कैलिफोर्निया. सो वी हैव अ बंच ऑफ ऑफिसेज इन इंडिया, वन इन बैंगलोर, वन इन हैदराबाद एंड वन इन दिल्ली. Oh, nice. So Bangalore and Hyderabad are like the second tech centers outside of the US, second and third biggest tech centers for our company outside of the US. Well, that's There are a really bunch of other places as well in the world, but yeah, but there are some maybe in Ireland, one in Canada, and it's like we are spread across. nice, nice. So, I did my electrical engineering and Panth did his computer science engineering. We are batchmates actually from BITS. So Pan bhai, can you please explain in which domain you are currently working? Some idea, क्योंकि 12th वाले students होते हैं. I know थोड़ा सा उनके लिए technical रहेगा, but yes, some idea. बिल्कुल, डेफिनेटली. या सो आई वर्क प्राइमरीली इन द डोमेन ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स यू नो बिग डेटा. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट वर्ड, बिग डेटा दिस इयर्स. बिग डेटा एंड अ लिटिल बिट ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग एज वेल. सो आई मीन यू माइट, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, बट देयर इज अ सेइंग दैट यू नो इन टुडेज वर्ल्ड डेटा इज द न्यू ऑयल. डेटा इज data is very valuable, but you need to process it to extract value out of it. So It's like the crude oil. yeah, exactly. Yeah, so in today's enterprise world, right, companies and big companies and banks and other institutions, they their data is spread across a lot of different kind of data sources. Like it might be present in databases or data warehouses or cloud storage is like maybe Amazon S3, might have heard about it. Yeah, so it's spread across, and these companies, what they want to do is they want to integrate this data from these different sources, and they would want to prepare it and process it in such a way that their analysts can extract some meaningful information out of it. So say it's distributed across, and you want to bring it all together. You want to join the data together and run some queries on it. You would use a data integration product to help you with that. So it's primarily used by their data engineers. These companies' data engineers would use that to do this. So in simple words, let's say I have searched something on Google or Facebook, तो वो डेटा आ जाता है एंड बेस्ड अपॉन दैट डेटा तो मेरे को कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखती है. सो दैट प्रोसेसिंग एंड ऑल के बाद वो एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसे आती है, राइट? मतलब आप, या समवॉट लाइक दैट. यस. सो यू वुड वांट टू, आप क्या करना चाहेंगे कि उस डेटा, आपने लोगों की इन्फॉर्मेशन ट्रैक करी. सपोज आपने ट्रैक करके आपने आपने स्टोर किया. अब आप देखेंगे तो वो डेटा GBs और TBs और एंड मे बी मोर में स्टोर होगा, राइट? बिल्कुल तो आप चाहेंगे कि उस डेटा को आप प्रोसेस करना चाहते हैं ओवर अ लार्ज स्केल क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स. मे बी थाउजेंड्स ऑफ मशीन होंगे आपके क्लस्टर्स में, एंड आप उसको प्रोसेस करके एज क्विकली एज पॉसिबल आप प्रोसेस करेंगे और उसको प्रिपेयर करके स्टोर करेंगे, एंड उस पर आप क्वेरीज रन कर सकते हैं ताकि आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करके यू कैन शो एड्स टू कस्टमर्स. या हाँ. तो जैसे मतलब वो अमेज़न में भी होता ना, वो यू
many people who bought this also bought this. Ah, yes, yeah, absolutely. You can definitely use data integration products to help you with this line of advertisements and all. So this is like the next big thing. Matlab iska boom aa chuka hai waise and it will continue, right? Yeah, absolutely. I mean, data ab to basically badhte ja raha hai. Every year more and more data is being collected. So actually aap dekhenge to kafi time se chal raha hai, almost 2000s 3-4 se ye jab Google track karna shuru kiya tha Google ne, maybe even before that, tab se ye technologies boom kar rahe hain aur ab tak hai ki it's used even more heavily these days. Yeah. So what kind of skill set or knowledge is needed in your line of work? Matlab agar main fresher hu to matlab aap kya kya check karoge ki you know ye aata hai and what is like the ideal candidate? Ideal candidate ke paas kya kya hona chahiye? Yeah, so mere hisab se ideal candidate ke paas at least he should have a great problem solving ability and one thing that is very desirable is a good you know mastery of any one programming language, any one that they are comfortable with. Usse kya hota hai, aapko ek base mil jata hai jo aap aapke suppose aapko ek language mein aapki mastery hai aur aapki company mein kuch aur use karte hain. As long as aap ek language mein aap expert hain to aap easily wo knowledge carry over karte hain to a different language as well. And along with that data structures and algorithms is one of the key you know differentiators. If you're good at that, it's going to help you a lot in interviews. So basically sorry to interrupt. So basically agar kisi ne 12th mein computer science padhi hai to I hope unko data structure and algorithm ke bare mein idea thoda bahut hoga. And just that, sorry to interrupt. Mostly jo algorithms pe focus usme rehta hai, jaise aap bahut basic cover karte hain 12th ke time pe, lekin college mein sara focus rehta hai usme. Algorithms ka dedicated course hota hai jahan pe aap you can learn it well basically in college. So basically agar maine 11th 12th mein nahi bhi computer science padhi to do you think ki college mein enough time mil jata hai to master those concepts? Absolutely. So school mein agar aap dekhenge to जो आपका प्राइमरी फोकस होगा वो होगा ऑन प्रोग्रामिंग इटसेल्फ. आपको आपको प्रॉब्लम्स देंगे, यू विल यूज व्हाटएवर लैंग्वेज इज रिकमेंडेड बाय योर कोर्स एंड आप उस लैंग्वेज में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. लेकिन कॉलेज में क्या होगा, प्रोग्रामिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपका कंप्यूटर साइंस में जो साइंस पार्ट है वो कवर होगा इन कॉलेज. जैसे आप सीखेंगे ऐसे हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क, how compilers work, databases, और भी बहुत सारे compulsory courses रहेंगे आपके जो they will cover things, a lot of other things apart from just programming. So programming is like a small part of it. Okay. So usually क्या होता है कि college के first year में आपके पास एक introductory course होगा on programming, जिसमें आपको आपको एक sem तो definitely मिलता है to catch up and learn programming. I think that is more than enough time. कोई hard requirement नहीं है कि आपको school में लेना ही पड़ेगा. हाँ यार वो तो है, मतलब मैंने खुद कॉलेज में आके सीखा था और पंत भाई ने काफी हेल्प कर दी थी. तो आपको भी ऐसे प्रोलॉग मिल जाएंगे कॉलेज में जो आपको हेल्प कर देंगे इन सब चीजों में. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली या. सो नाउ इज द टफ थिंग कि हाउ डू यू डिसाइड, मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि हाँ मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करनी है? यू नो दैट विल रियली हेल्प, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना थोड़ा. राइट, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था. तो ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से घर पे कंप्यूटर आया था स्टार्टिंग से एक इंटरेस्ट था सीखने में कि कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं. हाउ, जैसे आप इनिशियली क्या होता है, आप हर बच्चा जो गेम है वो गेम्स खरीद के लेके आता है. राइट, तो आप पहली बार क्या होता है, आप एक गेम इंस्टॉल करते हैं, आपको पता चलता है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर इनफ नहीं है उसके लिए. देन यू अंडरस्टैंड कि यू नो इफ आई बाय अ न्यू जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड में लूंगा तब जाके क्या होगा, कंप्यूटर आई बी एबल टू प्ले दिस गेम. तो थोड़ा बहुत क्या होता है, उससे आपका इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है कि हाउ एग्जैक्टली कंप्यूटर्स वर्क, ये समझने में, मतलब इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ किक स्टार्ट. राइट, ये मेरे साथ तो ये हुआ था एटलीस्ट. और भी बेसिक चीजें थी, जैसे ब्राउजर्स काम कैसे करते हैं, और फॉर एग्जांपल म्यूजिक सुन रहे हैं तो हाउ डज अ म्यूजिक प्लेयर वर्क. मतलब आपने आपने एक सॉन्ग लोड करा, आपने डाउनलोड करा कहीं से और आप उसे प्ले कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ मुझे स्टार्टिंग से फैसिनेट करता था फ्रॉम अ स्मॉल एज.
उस टाइम लेकिन ये होता था कि इतना कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, तो आप इस क्लास, अगर आप क्लास सिक्स, जब मैं क्लास सिक्स में था एटलीस्ट, तब ये डायल अप कनेक्शन होता था, ब्रॉडबैंड था नहीं, तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता था इंटरनेट. एक तो स्लो होता था प्लस एक्सपेंसिव होता था, एंड इट वॉज अ प्रॉब्लम. तो ये होता था कि मैं अपने पेरेंट्स से बैग करके मैं मैगजीन्स लेके आता था. एवरी मंथली एक मैगजीन होती थी, उसको मैं लेफ्ट एंड राइट पढ़ता था. वैसे इंटरेस्ट गेन हुआ. तो ओवर टाइम जब टेंथ के बाद, अब ऑब्वियस था कि जब कंप्यूटर साइंस पढ़ने का चांस मिला तो मैंने वही उसी के लिए ऑप्ट किया. एंड आई फाउंड दैट आई रियली लाइक्ड इट. वो तो ये अच्छा था कि व्हेन आई टुक इट, मैं स्टार्टिंग से ही आई हिट इट ऑफ विद कंप्यूटर साइंस. जो बताते थे क्लास में समझ आता था, और खुद से भी थोड़ा बहुत मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लेता था उसमें, क्योंकि अपने आप से इंटरेस्ट आ रहा था, तो एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा मार लेता. अगर आपका पैशन हो तो आप डेफिनेटली करोगे. राइट, या तो वहीं से इंटरेस्ट बना. उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो चांस मिला सीएस का, तो आई इट वाज नेचुरल कि मैंने वही भी किया. हाँ, देन तो फिर तो मतलब आगे तो मतलब एक गाड़ी स्टार्ट हो गई बस, और क्या, फिर तो बढ़िया. सो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब एक कॉलेज में जाना, मतलब एक अच्छे कॉलेज में जाना, जैसे बिट्स में जाना, ये ज्यादा हार्ड है या मतलब कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना वो ज्यादा हार्ड है? ओके, तो जब हम एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आप कौन से करियर में की बात करेंगे, बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एज अ प्रोग्रामर वर्किंग इन अ टेक कंपनी, आई वुड डेफिनेटली से कि अच्छे कॉलेज में जाना इज द, अच्छे कॉलेज में जाना मुश्किल पार्ट है. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आई मीन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आपके आपका पूरे दो साल का कोर्स होता है जो कि आप क्रैम कर रहे हैं, एक वो एग्जाम पे आपका डिपेंड करता है. एंड कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस रहता है उस टाइम पे, बहुत चीज़ें रहती हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो डिफिकल्ट होता है. एंड हमेशा एक यू नो टाइम की एक वो रहती है कि टाइम इज जस्ट पासिंग अवे, उसकी एक टेंशन हमेशा रहती है. अगर आप उसके बाद क्या होता है, एक बार आप कॉलेज में घुस लेते हैं तो आई थिंक देर इज मोर देन इनफ टाइम टू बहुत स्पेस्ड आउट रहते हैं कोर्सेज. आप जो आपके डिफिकल्ट कोर्सेज होते हैं, दे आर स्पेस्ड आउट थ्रू आउट द फोर ईयर्स. एंड मेरे हिसाब से तो इनफ टाइम मिल जाता है बाद में. एंड इवन ये तो मैं कॉलेज की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, बट जब आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं एंड आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तब भी क्या होता है कि आपके पास अगर आप जैसे आपके आप कहें, तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज में आप घुसते हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काफ़ी कंपनीज आती हैं टू पिकअप कैंडिडेट्स. एंड आपको आई थिंक एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है एज लॉन्ग एज आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, आपने कॉलेज में जो अपने कंपलसरी जो मेन कोर्सेज हैं उनमें आपने सॉलिड टाइम स्पेंड किया है, तो मेरे हिसाब से आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है. ऐसा नहीं होता कि आपने एक मिस कर दिया तो नेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता. जैसे एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं ना कि आपके दो तीन एग्जाम होते हैं मेन, उसके बाद आपको ऐसा टेंशन होती है कि क्या होगा, वाली टेंशन नहीं रहती कॉलेज में. वो तो है ही, मतलब वहां पे सक्सेस रेट और प्लेसमेंट्स में सक्सेस रेट में बहुत फर्क है, मतलब वहां पे एक कंपनी नहीं तो दूसरी से ही हो ही जाता है. मतलब हाँ, मतलब आपको अगर आप अच्छे कॉलेज में तो डेफिनेटली आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. और ऐसा भी होता है कि इवन इफ सपोज ये इनिशियली नहीं हुआ, लेकिन अगर आप सपोज एक कंपनी में आप घुस भी गए जो आपको आपको आप इतने कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, तो इंडिया में इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटी है टू स्विच टू अदर कंपनीज, क्योंकि बहुत डिमांड है इंजीनियर्स के लिए, कंप्यूटर स्पेशली प्रोग्रामर्स के लिए बहुत बहुत डिमांड है यहाँ पे. एंड आप देखेंगे तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स वेयर कंपनीज वेयर आर ऑपरेटिंग इन. सो देर इज, जैसे मैंने बताया, डेटा इंटीग्रेशन तो है ही एक, उसके अलावा आपके क्लाउड सर्विसेज वाली कंपनीज होंगी आप, एंड देर बी अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ कंपनीज इन दैट आर हेयर इन इंडिया. एंड even in companies there are multiple roles that you can go for. You can either go for a developer role, definitely. And there is a lot of other roles, like you can become a test engineer or a DevOps engineer or a support engineer. I mean, there are lots of things that you can do in any company. To mere hisab se kafi opportunity hai baad mein, agar aap acche college mein khuste hain to definitely aapke paas kafi opportunity rahegi. Bilkul. Aur agar kisi ko jaise foreign mein settle hona hai to uske liye bhi kafi अपॉर्चुनिटी रहती है. हम लोग के काफी बैचमेट जो है वो Amazon USA में वर्क कर रहे हैं, काफी है, तो स्कोप तो है. मतलब अच्छे कॉलेज की डिग्री, इट मैटर्स अ लॉट. मतलब यस यस एब्सोल्युटली.
या इफ यू कंसिडर फ्रॉम द इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, तो अगर उसके पास दो कैंडिडेट हैं, दोनों थोड़े से सेम हैं, तो वो नेचुरली वो उसी को पिक करेगा जिसके पास एक ब्रांडेड कॉलेज का ठप्पा लगा हुआ है। राइट हाँ, मतलब वो डेफिनेटली ये फैक्टर प्ले तो करता ही है। जब आप रेज्यूमे सिलेक्ट करते हैं तो अच्छे कॉलेज के रेज्यूमे हमेशा मतलब दे लुक फेवरेबली लुक्ड एट फेवरेबली। फिल्टर लगा देते हैं वो भी। डिपेंड करता है, अगर आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक फिल्टर तो रहता ही रहता है। अगर आपके ये क्या होता है कि इनिशियली ज्यादा मैटर करता है एंड ओवर टाइम जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि कॉलेज फिर वही होता है कि आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट डेफिनेटली एज अ फ्रेशर हेल्प करेगा आपको। मतलब टू गेट इनटू इट तो यस, मतलब एक इनिशियल वो जो पुश मिलता है, इनिशियली जो एक थ्रस्ट मिलता है वो तो मिलता ही है। हेल्प मिलती है, आई एग्री यस। हाँ मतलब ये तो है ही है। पन भाई बहुत ही वैल्यूएबल चीजें बताई आपने मतलब। और यार बस एक रिक्वेस्ट है, तो अगर कोई मेरा नाम लेके इंटरव्यू में आएगा प्लीज सेलेक्ट कर लेना यार उसको। Absolutely, मतलब मैं हम टेक कंपनीज में होता है कि रेफरल बोनसेस मिलते हैं, तो अगर रेफरल्स आएंगे मेरी साइड से तो डेफिनेटली दे विल बी दे आर वेलकम। ओके ग्रेट ग्रेट, तो जो जो वीडियो देख रहा है देख लो ध्यान से, पंत भाई से दोस्ती बना लो, मेरा नाम ले देना क्योंकि ही इज गोइंग इनटू मेनी कॉलेजेस। आई थिंक यू वेंट टू डीसीई सम इयर्स बैक। हां आई वी वेंट टू एनएसआईटी एक्चुअली, एनएसआईटी maybe 2-3 years back and to different, I mean keep, teams keep sending engineers to different colleges. NSIT ek tha jisme main gaya tha, but aur bhi kafi Thapar Institute aur different colleges mein log jaate rehte hain. Are nice nice, fir to matlab mere student ho to fir to ghus hi jaoge. Just kidding. Okay, thank you so much Pant bhai, and any thing you want to say for these young enthusiastic people, मतलब योर मैसेज, मतलब वैसे तो योर वर्ड्स आर इनफ, आपने बोल दिया है कि अच्छे कॉलेज की एडमिशन मैटर करती है, तो मैं तो वैसे ही कहता रहता हूँ कि पढ़ो, इसी पे आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है, इसी पे आपकी लाइफ डिपेंडेंट है, बट व्हाट यू वांट टू से टू दीज पीपल। सो हाँ ये तो है ही डेफिनेटली, कॉलेज मैटर करता है। उसके अलावा ये भी है कि आप मतलब आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कभी भी आप यू शुड नॉट लेट स्ट्रेस टेक यू ओवर। आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं टू सक्सीड, तो आप क्या कर सकते हैं कि व्हाटएवर सेटबैक्स यू, इवन इफ यू हैव एनी सेटबैक्स, यू शुड टेक द नेक्स्ट, ट्राई टू स्टडी एंड टेक द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एज इट कम्स। एंड आपको डेफिनेटली, मेरा मेन तो ये रहेगा कि कॉलेज के कोर्सेज में यू शुड डेफिनेटली, वंस यू गेट इन टू कॉलेज, यू शुड फोकस एंड गेट गुड एटलीस्ट एट योर कंपल्सरी कोर्सेज, द वंस दैट आर रिलेटेड टू योर ब्रांच, उसमें तो डेफिनेटली आपका फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पंत भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू उपल भाई।